श्रावण मास के का नवा अध्याय शुक्रवार की कथा मैं तुम्हारे को सुना रहा हूँ। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा कहता हूँ जिसे सुनकर प्राणी समस्त विपत्तियों से छूट जाता है। पांडव वंश में एक राजा था जिसका नाम सुशील था। उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सुकेशी था। पुत्र न होने के कारण वह उदास रहने लगी। रानी स्त्री स्वभाव के कारण हर महीने कपड़ों को अपने पेट पर बांधकर पेट की वृद्धि करती रही। इस प्रकार सास के कारण स्वयं प्रसूति के अनुसार सुकेशी किसी गर्भवती स्त्री का को खोजती रही। संयोगवश उसने गर्भवती पुरोहित की पत्नी को देखा। कपटी रानी ने प्रसव के समय में दाई का कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस दाई को एकांत में बहुत सा धन दिया और अपने गर्भ के अनुकरण की सब बातें कह सुनाई। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नज़दीक आया। यह सुन उसी तरह दाई ने भी अपने वचन का पालन किया। पुरोहित की पत्नी दाई की बात नहीं जानती थी, अतः वह दाई की बातों का पालन करती थी। दाई ने पुरोहित की स्त्री के नेत्रों पर पट्टी बांध दी और उसके उत्पन्न हुए पुत्र को रानी के पास भेज दिया। इस प्रकार रानी के पास उस पुरोहितानी के पुत्र के पहुंच जाने की किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। इस नाटक को कोई नहीं जान सका। रानी ने अपनी दासियों द्वारा राजा को खबर करा दी कि उनके यहाँ लड़का पैदा हुआ है। उधर दाई ने पुरोहितानी के नेत्रों से पट्टी खोल दी। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। दाई ने पुरोहितानी को वह मांस की पिंडी दिखाते हुए कहा, यह अनिष्ट हुआ है अपने पति से, इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो नहीं सही, तुम्हारे प्राण तो बच गए। पुरोहित की स्त्री सोचने लगी, कहीं दाई ने मेरे साथ कपट तो नहीं किया है। राजा ने जब पुत्र उत्पन्न होने की बात सुनी तो जात कर्म आदि करके ब्राह्मणों को गज अश्व रथ आदि दान में दिए। जो बंदी बंद खाने में बंद थे उनको सबको छोड़ दिया। राजा ने उसका नाम प्रियव्रत रखा। श्रावण मास प्रारंभ होने पर पुरोहित की स्त्री ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका की पूजा अर्चना की। दीवार पर बहुत से लड़कों के सहित जीवंतिका की तस्वीर बनाई और 5 दीपक जलाकर पुष्पमाला से पूजा अर्चना की। गेहूं के आटे के दीपक बनाकर जलाती और स्वयं भी गेहूं के आटे को शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती। भोजन के पश्चात जीवंतिका से प्रार्थना करती, जहाँ पर भी मेरा पुत्र हो उसे सुरक्षित रखना। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात वह कथा सुनती और यथाविधि नमस्कार करती। जीवंतिका के प्रसाद से वह बालक राजा के यहाँ चांद की तरह बढ़ने लगा और जीवंतिका उसकी रात दिन रक्षा करने लगी। कुछ समय बाद राजा का स्वर्गवास हो गया। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया सम्पन्न कराई। इसके बाद मंत्रिमंडल में उसका राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसने कुछ काल तक राज्य का शासन की भली भांति किया। इसके बाद वह राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर पुत्र ऋण से मुक्ति पाने के लिए गया जी को रवाना हो गया। उसने ये यात्रा कार्तिक वेश में की। रास्ते में वह किसी गृहस्थी के घर पर ठहरा। उस गृहस्थी का यहाँ पुत्र हुआ था। इससे पहले के 5 पुत्रों को षष्ठी देवी ने मार डाला था, परंतु इस बालक को षष्ठी देवी नहीं मार सकी। राजा के वहाँ रहने के कारण जीवंतिका देवी उसकी रक्षा कर रही थी। गृहस्थ ने जब अपने लड़के को जीवित अवस्था में देखा तो उसको पक्का विश्वास हो गया कि यह बालक अतिथि राजा के कारण ही जीवित है। उसने राजा से एक दिन घर पर ठहरने की कृपा की, क्योंकि आपकी कृपा से ही मेरा ये 6ठा पुत्र जीवित है। गृहस्थ के प्रार्थना पर राजा एक दिन के लिए उनके यहाँ रुक गया। फिर वह गया जी चला गया और वहाँ पिंड देने लगा। पिंड देते समय उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड को घन करने के लिए 2 हाथ बाहर निकले हैं। एक विद्वान ब्राह्मण से उसने पूछा, यह सब क्या मामला है? ब्राह्मण बोला, ये दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछना कि ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारी माता ही बताएगी। लौटते समय राजा फिर उसी गृहस्थी के यहाँ ठहरा। उसके यहाँ अब दूसरा पुत्र पैदा हुआ था जो केवल 7 दिन का था। इस लड़के को लेने जब षष्ठी देवी आई तो जीवंतिका देवी ने उसे बालक को नहीं ले जाने दिया। षष्ठी देवी ने जीवंतिका देवी से पूछा, आप इन लड़कों को क्यों बचा रही हैं? इसकी माँ ने कौन सा व्रत किया है जो दिन रात आप इसकी रक्षा करती हैं? राजा भी उस समय जग रहा था। वह दोनों देवियों की बात सुन रहा था। वह नींद का बहाना करके पड़ा रहा। जीवंतिका बोली, इनके यहाँ तो जो अतिथि ठहरा हुआ है उसकी माँ श्रावण के महीने में शुक्रवार के दिन मेरा
उसकी माँ श्रावण के महीने में शुक्रवार के दिन मेरा पूजन तथा व्रत नियमानुसार करती है। वह नियम क्या है और किस प्रकार किया जाता है वह सब तुम्हें बताती हूँ। इसकी राजा माँ उस दिन हरे रंग के वस्त्र और हरे रंग की चूड़ियाँ नहीं पहनती, चावल के धोवन मांड को कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती, हरे रंग की साग सब्जी नहीं खाती। ये सब कुछ वह मेरे लिए ही करती है, इसलिए मैं उसकी तथा उसके पुत्र की रक्षा करती हूँ। षष्ठी देवी और जीवंतिका देवी का वार्तालाप सुनकर राजा सुबह उठकर अपने राज्य में आया। राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, आप जीवंतिका का व्रत करती हैं तो उसकी विधि क्या है? जीव राजा की माता ने उत्तर दिया, मैं जीवंतिका का व्रत नहीं करती, इसलिए मुझे उसकी विधि का ज्ञान नहीं है। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा कि मेरी माता कौन है। राजा ने गया यात्रा के फल प्रातर्थ ब्राह्मणों तथा सुहागिनों को भोजन कराने की इच्छा प्रकट कर उनके यहाँ हरे वस्त्र हरी चूड़ियाँ आदि परीक्षार्थ भिजवाए। दूत ने सबके यहाँ संदेश दिया कि आप सब राजा के यहाँ भोजन करने आए। पुरोहित की पत्नी ने राजदूत से कहा, मैं हरे रंग की कोई चीज़ नहीं लेती। राजा को यह समाचार मिलने पर उसने पुरोहित पत्नी के लिए लाल रंग के वस्त्र और लाल रंग की चूड़ियाँ भेजी। पुरोहित पत्नी ने उन चीज़ों को ले लिया और राजमहल में आई। पुरोहित पत्नी को देखकर राजा ने हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया और नियम का पालन करने का कारण पूछा। उसने इसका कारण शुक्रवार व्रत बताया। राजा को देखकर उसी समय उसके स्तनों से मात्र प्रेम के भाव के नियम का पालन करने का कारण पूछा उसने इसका कारण शुक्रवार व्रत बताया राजा को देखकर उसी समय उसके स्तनों से मात्र प्रेम के भाव के कारण दूर निकलने लगा। उस दुख से राजा भरी प्रकार सिंचित हो गया। गया में दो हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और स्त्रियों से दूर निकलने से राजा को पक्का विश्वास हो गया कि यही उसकी माता है। राजा ने पूछा, हे माते, अब भय मत करो और मुझे मेरे जन्म का सही सही हार बताओ। उस केशनी ने उसके जन्म के साथ सब तथ्य बता दिए। राजा ने प्रसन्न होकर अपना जन्म देने वाली माता पिता को नमस्कार किया, उनको संपत्ति देकर उनका मान बढ़ाया। एक दिन रात को राजा ने जीवंतिका से प्रार्थना की, हे देवी, मेरे जन्मदाता पिता तो मौजूद हैं, फिर गया में पानी से दो हाथ किसके निकले थे? देवी ने राजा को ख्वाब में ही उत्तर दिया, हे राजन, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने हेतु ऐसी माया रची थी, इसमें तुम कोई संदेह नहीं करो। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें शुक्रवार के व्रत करने का माध्यम कह सुनाया। इस व्रत को श्रावण के मास में करने से मनुष्य की समस्त इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं।